अगर आप एक अकेली पढ़ाई को परेशान है तो उससे भी आदमी की लाइफ में चेंजिंग आ जाती है। तीन चीज बताओ, तीन चीज ध्यान रखना सर, ठीक है। एक तो जो होती है दिनचर्या, दिनचर्या क्या बोला, जब आदमी सुबह उठता है किसान भी अपनी दिनचर्या बनाता है, बीमार खेत में ये चीज बोनी है तो उसके लिए मैं क्या क्या चीज ले जाता हूँ, ठीक है, हम बीज ले जाना, खाद ले जाना, जो भी सब ले जाना। सुबह उठती है अपना ध्यान दिनचर्या पर जाना, ठीक है। दूसरा होता है ये अपना जब उसे स्वास्थ्य, अगर किसी भी आदमी का स्वास्थ्य ठीक होगा कभी भी लाइफ में उसका एम्स पूरा ही होगा। तीसरा होता है एम, लक्ष्य। जब बच्चा होता है तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, उसका माँ बाप गुरु होते हैं, वो जैसे भी चलाएगा उसी लाइन में पहुंच सकता है, ठीक है। भी उसको जैसी आदत डालोगे वैसी वैसी हो जाएगी, जैसी उसको संगत मिलेगी वैसा चलता रहेगा। जब आप एट्थ या नाइन्थ क्लास में आ जाते हैं तो उसी उस समय गुरु को भी और माँ बाप को भी बच्चे को एम्स दे देना चाहिए, उसकी स्किल देखकर कि अभी ये मेरा बच्चा गेम में है तो मैं इसको इस नॉर्मल पढ़ाई डालू, मेरा बच्चा पढ़ाई में साइंस में अच्छा है या इसमें अच्छा है, उसकी रुचि गुरु को भी पढ़ लेनी चाहिए और माँ बाप को भी पढ़ लेनी चाहिए, उसी के अनुसार उस लाइन में उसको डालोगे तो उसका एम्स पूरा होने, एम पूरा होने में मतलब 90% चांस ही रहते हैं, फिर किस्मत साथ में होती है, ठीक है ना। कई आदमी पढ़ी भी मेहनत भी कर ले और उसका किस्मत साथ में ले नौकरी कर ली, ठीक है, तो किस्मत भी उसके साथ होती है। लेकिन एम्स बनाओ, अपना एम नहीं बनाया ना तो वो आपका लक्ष्य हासिल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था आपका जो एम पूरा होने में सबसे ज्यादा योगदान होगा आपके स्वास्थ्य का। सुबह उठ के गर्म पानी कितने पियो, तुमने बताइए जो लागे थे ना, पहले अपने समाज में के धप्पी पार्टी थी सब ठंडा पानी पिया थे, बुढ़े बूढ़े उगला पानी पिया थे, तो विज्ञान जितनी उन्नति करा है उसके अनुसार हमें उसमें चल जाना चाहिए। आज का टाइम गर्म पानी इतना लाभदायक है आपके स्वास्थ्य के लिए, 50% बीमारी आपकी दूर करते हैं, 50% दो गिलास तक पहुंच जाओ आपका, शाम को जिसने पी लिया सोते रहो उसको कभी लाइफ में हटते बीमारी नहीं, आधी बीमारी खत्म। दूसरा डाइट होना स्वास्थ्य में तो पता है, हमेशा एक कोई भी बीमार नहीं होगा। मेरा एक साथी था उसके दो वो बैदगिरी का काम करता था आयुर्वेद का, तो एक मेरी मम्मी बीमार थी इसार सर्वोदय में, तो उसी समय एक इसका यहाँ का था बडाला का, उसका दो बच्चे दोनों बच्चा का 400 से 500 जन्मजात शुगर थी, जन्मजात। एक तो उसका मर गया सर्वोदय में 10 दिन एडमिट हो गए, की करें कितना डाइट दें कितने ब्लड चेंज करें तो इतनी शुगर वाला का तो इलाज ही नहीं, खत्म हो जाते हैं शुगर बीमारी को बढ़ाती है और पार्टन खत्म हो जाती है खतरनाक। तो उन्होंने लिया भाई क्यों तो तरह गया इस पर पीछे लगाने वाला वेंटिलेटर पर लगवा रहा था उम्मीद तक लगा हुआ, लेकिन वो ले तरह दूसरे ने बचा नीचे बैठे भाई दूसरा के ऊपर बचा ले इलाज से इसका। मैंने उस काम महीने के बाद पता कर उस बंदर से डाइट प्लान बताई, डाइट प्लान नो ले कोई दवाई तुझे दवाई को ले ठीक हो जाएगा। उसने उसको डाइट प्लान बताई, वही सुबह उठ के खीरा बता दिया, शाम को 4 बजे सेब बता दी, स्टीम या चीज खानी स्टीम या चीज खानी। उस डाइट प्लान से एक महीने के बाद में उसका पता कर तो एक महीने में उसकी 250 शुगर आ गई, तो 400 तो प्रमाण फिर होगा, 400 शुगर बहुत ज्यादा होती है, तो उसका इलाज हो गया। तो अपन जो खान पान में इतनी गड़बड़ कर रहा स्वास्थ्य को अपन स्वयं बिगड़ा पड़ा,
स्वास्थ्य का तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का। बहुत गर्म देखिए मैंने श्याम दाल बढ़ा है, कभी भी श्याम को दाल बढ़ाई करती है तो इसमें तो पता कौन लगता अपन धीरे धीरे अपना शरीर अपन बीमारी का घर बना लेते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य आपकी पढ़ाई के पढ़ाई में आपका मेन योगदान होगा स्वास्थ्य। ठीक है, तो उस स्वास्थ्य के लिए आपको अपने डाइट प्लान बनानी पड़ेगी। हर आदमी में शरीर का हर चीज से चावल से कोई चीज अपना ध्यान रखोगी ये चीज अपने से। ठीक है, और एम आपका पूरा करना है तो आपने दिनचर्या बढ़ानी पड़ेगी। सुबह उठ के भी मिनाज इतना घराया काम है, इतना पढ़ाई पर ध्यान देना है, जितना आप टारगेट हार्ड लोगे तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। मेरी बिटिया की बताता हूँ मैं अपने बच्चों की, वैसे बड़ा ही जब सक्सेस हो जाता तो कर भी नहीं अच्छी उसकी। ठीक है, मैं घर पर सारे बच्चे बैठे थे तो भाई माँ अपना सारे टीचर टैसर है परिवार में भी घर में भी बेका था डॉक्टर बन सके क्योंकि बिटिया की पढ़ाई देख कर वन वी पपाइयों का मैं कर दूँ। तो नाइन्थ क्लास की बात है, हमने टाइम पर ध्यान दिया तो नाइन्थ क्लास पर उसने ये हामर ली तो क्या हो गया उसका एम हो गया। लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने क्या किया 16 घंटे 18 घंटे सीटिंग दी। ये कोचिंग तो आपका सारा है, इनका नाम जब होगा जब आप जो काम दिया उस पर सीटिंग दो। कामयाबी की क्या है, एक बात बताओ, मकान बना लिया तला कच्ची डला जाए ऊपर आप से ताज लाई जाओ वो कामयाब थोड़ी हो तो गिरेगा बारिश आओ तो गिर जाए मतलब वो ढहेगा चले लंबी बिल्डिंग ही बनाते हैं। अगर नीम आपकी मजबूत होगी तो आप कितनी ऊंची मंजिल ले जा सकते हो। स्टार्टिंग अगर आपकी अच्छी होगी यही टाइम है, इसमें आप अगर अच्छी तैयारी करोगे अच्छी शीटिंग दोगे पढ़ाई के लिए तो आपका एम पूरा होगा। तो उसने 16 से 18 घंटे किया 625 नंबर आए टॉप रैंक का, एम्स भी क्लियर हुआ दोनों टेस्ट हो गए रोहतक पीजे अब चौथा साल हो गया उसका। ठीक है, एम्स पूरा हो गया। इसी तरह मैंने मेरे लड़के को मां बेटा तेरी क्या होनी चाहिए, मैं उसकी रुचि देखी, मैंने हमारा घर का हिसाब किताब मैं करता था शुरू से ही मेरे पिताजी का घर मैंने ठाकर उपेंद्र उसकी पकड़ा जैसे सिकंदर का था तो डेयरी डायरी सारा घर का खर्चा लिखना दुकान का हिसाब भी करवाना तो उन चीजों में उसकी रुचि मेरी तरह ज्यादा पाई। ठीक है, दूसरा फिर आप में टारगेट होते भी मेरे एक ही लड़का है कोई भी आई मेरे तीन भाइयां के मेरे हैं लेकिन आजकल एक एक बच्चे होते हैं हर आदमी ने सोचा मेरा बच्चा शेफ रहा लास्ट तक। ठीक है, शेफ लाइन चुनने की सोचा है तो उसके हिसाब से फिर हम दोनों टीचिंग लाइन में मैडम भी टीचर तो मैंने क्या किया हम दोनों बतलाए माँ इसकी इकोनॉमिक बात हम ज्यादा रुचि है उसको बात करके देखता तो माँ बेटा तेरे को कॉमर्स दिला देते। दूसरा आपका ये भी देखना हो कई आदमी जेबीटी 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 सारा देश में कर ली वैकेंसी खत्म हो गई भविष्य भी देखना होता है जैसे फाइन आर्ट आई नई आर्ट हर कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गया ऊपर 12वीं पहले फाइन आर्ट 8वीं तक थी 10वीं तक ड्राइंग का कोर्स होता था फाइन आर्ट नहीं आई ड्राइंग बंद कर दी तो फाइन आर्ट की इतनी वैल्यू है जो करके टेस्ट पढ़ नहीं टेस्ट पढ़ नहीं तो मैं एकदम कामयाब हो सभी वैकेंसी ने दी थी 900 वैकेंसी थी और 600 बच्चे पाए तो समय के अनुसार ये अपडेट देखता रहना चाहिए अखबार की वो तो उसी के हिसाब से अपनी तैयारी लाइन पकड़नी चाहिए। जैसे पीछे बूम आया जबरदस्त बूम आया क्या था इसका अपने इंजीनियरिंग का जबरदस्त एकदम फैल गया। ठीक है, पहले सारे कंप्यूटर लाइन में बच जाते चल कंप्यूटर का स्थाई काम है उसमें तो मैंने उसके अनुसार उसका क्या चयन किया तो चयन तो नहीं पता था कोई चयन करें मैंने उसके सीए की सीए क्यों आज का जो जमाना एक टाइम आ गया ना इसमें हर चीज ऑनलाइन कोई आदमी अपना खुद का घर का हिसाब भी नहीं कर सकता। हर आदमी जिसका डॉट हो जाए सीए पकड़ा के फाइल पकड़ा दे सीए जो अच्छे सीए हैं उनको आज 10-10 लाख रुपए फाउन टाइम को फाइल में बगा दे टाइम केस मिले
तो और रोजगार भी सरकारी में रोजगार बहुत अच्छी सैलरी कंपनियां में भी सरकार में भी तो बने सोचा भाई घर की घर मर रहा सरकारी जॉब तो जरूरी थोड़ी किस्मत में नहीं होगी तो सरकारी जॉब नहीं मिलेगी तो सी अपने घर पर बैठा क्या हुआ कामयाब लाख दो लाख का आदमी सी ए करने के बाद मिनिमम बताया हो जाता है तो मैंने उसको कॉमर्स दिला दिया उसके चार पेपर हुए जो परीक्षे होते हैं चारों पेपर उसने फर्स्ट उसमें ही करती है ठीक है अब इशार कोचिंग वही कोचिंग की जरूरत आई पहले ऑनलाइन दुआई अब इशार भेज दिया तो कोचिंग की जरूरत पड़ती है हर चीज में पड़ती है कोचिंग की जरूरत देखो गुरु मानना भी जरूरी होता है अगर आप किसी को गुरु नहीं मानोगे तो आप सच्चाई किस चीज में मानोगे आप तो कंफ्यूजन में हो ये चीज ठीक है ये चीज ठीक है कंफ्यूजन में कंफ्यूजन कौन दूर करेगा जब गुरु ने सारा दिया चाहे गलत हो उसने गलत भी ठीक बता दिया तो ठीक ही हो जाएगी बाप रे तो इसी तरह मैं बताना ही चाह रहा था कि भाई आप अपना एम बनाओ वो जीवन में अपना संघर्ष करो तेरी तैयारी कैसी चल रही है ठीक चल रही है उसकी बुक्स सारी मैंने इसको दे दी इसकी रुचि है ही कामयाब हो सकता है क्योंकि मैंने पता है शुरू से मेरे पास पढ़िया है तो आप जितना टाइम दोगे शीटिंग दोगे तो एम्स आपका पूरा होगा तीन बात बताइए स्वास्थ्य एम्स रखो तीन से दबा ठीक है ना भटकोगे गलत संगत का कभी दोस्ती मत करना संगत भी आदमी को खराब कर देती है बच्चा जो ये एज होती है इसमें मैंने जिसकी कई बच्चे के हूँ चार बच्चे होंगे कि दोस्ती रख करेंगे ठीक है तो मेरा लड़का वहां पढ़िया तो एक भी पढ़ी पढ़ा भी सारे पढ़नी पढ़ता लग तो सारे पड़ोसियां की भी बनेगी सबकी बन जाती है लेकिन जहां जिस उम्र हो तो वहां कोशिश ये करो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा उससे आपने ज्यादा है देखो जिसको कामयाब बना तो ये कुछ बातें जीवन में अगर आप ध्यान रखोगे तो सफलता आपसे दूर नहीं है ठीक है सीटिंग दो ठीक है टारगेट बनाओ और स्वास्थ्य को ठीक रखो ठीक है ना थोड़ा कमजोर है आदमी पढ़ाई दोनों लारे भाई हाइट है मुंगेरा भी मैं तो पांच आठ की हाइट से मैं तो ओढ़ना भर्ती हो जाऊँ लड़कों की आज तो लड़कियां भी हर फील्ड में आ गई कहीं पे कम नहीं है पुलिस में भी जारी है फौज में भी जारी है एनडीए में भी कर दिया लड़कियों का तो अपना टारगेट बढ़ाओ उसके अनुसार चलो अपना आपको पता होता है मैं किस लायक उस जगह भी इतने बच्चे बैठे सारे एक से होशियार थोड़ी है सब में अलग अलग दिमाग है सबकी अलग अलग किसी की कैचिंग पावर तगड़ी है किसी की मतलब याददाश्त कमजोर है किसी की बहुत तेज आज बात बता दी हो 20 साल भी ना होती है ठीक है ना तो एक और बताऊंगा उदाहरण मैं मेरे ऊपर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में 11th क्लास में चले गया था अपना स्कूल नहीं था तो गवर्नमेंट कॉलेज में चले गया रोडवेज की बस में SDU आया करता तो रोहत तक का था भिवानी तक बस में जा रहा था अच्छा जेंटलमैन है जोगिंदर तो आप पढ़ तो जाएंगे भाई आदमी कौन है पिछली जाति में बैठा खचाखच बस भरी तो वो उसने किसी नहीं तो क्या मेरा ध्यान हो गया मैं कोई जेंटलमैन आदमी है कोई ना कोई अपने उम्र में बड़ा है मां अंकल जी बैठ जाओ तीन बार बोलिया वो नहीं मान्या नहीं बैठा मां अंकल जी मैं खड़ा होगा बैठ जाओ वो बैठ तो मैं भी उठा बैठा लिया अपने ताकत बैठ बैठा मैं क्या करते हो माँ जी मैं प्लस वन में गुरु को आप बहुत कुछ कर सकते हो बेटा मैं ऐसा कहना गया सर जी मेरे मुझे बस भरी थी गढ़े थे इसीलिए मेरे को नहीं रुकया मैं SDM भिवानी हूँ ठीक है और मैं बस में जा रहा ईमानदार आदमी था तो माँ जी इसी के बात हुई जो मेरे मुझे आप बहुत कुछ कर सकते हो मेरी बेटा एक के बात याद रहा है बताओ मुझे हर इंसान में गदे में भी पाड़ी में भी पागल में भी समझे जानवर में भी कहने का मतलब यह है हर चीज में ज्ञान है आपने लेना की है उसका मतलब उसका कहना होता है सुनो सबकी करो मन ना 2 साल लगने अगर 2 साल में एक्सरे नहीं तारण लग जा दुनिया की जैसे मान ले मैं रूपिंदर से बात करूंगी चार बात इस तक कर ली तो मैं पकड़ जाऊंगा यू की बोलने लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है कहना होता है उसने ये बता रहा अपनी जो इतनी इंद्रियां यू कंप्यूटर है कंप्यूटर में आपको सॉफ्टवेयर डाल रखे आपको बाय डाटा फीड कर देते हैं और उन्होंने कदे काटे इसी तरह अगर आप
उन चीजों अच्छी चीज अपने आप फीड होती जाएंगी आपकी, आपका वो अपने आप करने लग जाएगा भाई, सबकी सुनोगे भाई उसने कहा कितनी ज्ञान मिलता है ऑटोमेटिक, वो ज्ञान वाली तो रह जाएगी वही आती है तेरा दिमाग नुकन लाए दरबार मतलब फिड्डे बोलियो भरना उठ आदमी पर ठीक है। तो सुनो सब की कभी भी किसी को दूसरे को ये नेगलेक्ट करके मत छोड़ो, यू बोकन लाग रहे पागल है नहीं, वो पागल की तरह कुछ अच्छी बात है, सोफा का देख अच्छी पास कर वो अच्छी आप ग्रहण करो ठीक है। तो कैचिंग पावर बढ़ाओ, कामयाब बनाए तो, और सबके विचार सुनो, अपने से बड़े के गुरु के उनकी बात में दम होता है। कई बार आजकल के बच्चे कह रहे हैं अपने से शाणा मान ना बोले कि माँ बाप ने मुझे देखा ये मेरा तन है, ये मेरा तन, वेरा उसने भी है उसने ज्यादा वेरा है। अपन स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं कराओ, प्रैक्टिकल क्यों कराते हो, प्रैक्टिकल हाथ से काम, प्रैक्टिकल कभी भूलिया नहीं जाओगे, जो आप भी हाथ से काम करा एक तो याद याद करो, एक आप लिखो भी गए डबल हो गया, तुम डबल हो गया, वह चीज आप नहीं भूलोगे जो लिख की याद करी है, और जो ऊपट की याद करोगे वह चीज भूल जाओगे ठीक है। तो इसलिए यही है कि भी आप हर चीज का प्रैक्टिकल की तरह तैयारी करो ठीक है, वह अपनी जो सुन की शक्ति है और याददाश्त है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी ठीक है। खान पान का ध्यान रखो भाई, सर्दी आ गई थोड़े काजू बादाम जैसे पढ़नी है बच्चे दिमाग दिमाग होता है, मतलब हर चीज में मतलब डाइट प्लान अच्छी होगी तो स्वस्थ शरीर होगा। तो मैं ये कहता हूँ जिसका दिमाग कमजोर है वो भी सक्सेस हो सकता है ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आपका टारगेट पूरा हो, 2022 आपका खुशी है। बेटा आपको 2022 की सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके लिए जो 2022 का साल है वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और संजीव ने बताया है लक्ष्य बनाना अपना एम, जिस प्रकार से अर्जुन का लक्ष्य था कि नहीं था ठीक है ना, उसके जो और भी भाई थे तो तगड़े तगड़े थे, उससे भी बहुत महान थे, लेकिन उसने क्या देखा, अपना लक्ष्य देखा, क्या देखा, क्या लक्ष्य था, जो चिड़िया की आंख थी वही दिखाई दे रही थी उसे, पूरा वृक्ष भी नहीं, गुरुजन भी नहीं, कोई चीज नहीं। तो उसी प्रकार बेटा अपना लक्ष्य बनाओगे और वो लक्ष्य आपको दिखाई देगा तो आपको वो लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उस लक्ष्य को आपको मतलब प्राप्त होने पर रोक सके या बाधा डाल सके। तो आपका पहली बात तो लक्ष्य है, यानी मैंने करना क्या है ठीक है, और उस करने के लिए जो मेहनत करनी है वो बेटा आपने स्वयं करनी है, उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हो, किस प्रकार से आप भाई पढ़ाई करते हो, और जो पढ़ाई करेगा बच्चा बेटा वो लक्ष्य जरूर प्राप्त करेगा ठीक है। और आज का आपने पता समय कैसा चला हुआ है, बगैर पढ़ाई और बगैर जो सभी आप जानते हो आगे आने वाले समय में 90% नंबर से नीचे तो मान लो आप अपने आप को नॉर्मल हो, 95 से अबव का कंपटीशन चल रहा है, जो अच्छी पोस्ट है अच्छी हो 95 अबव का कंपटीशन है बेटा। सभी कंप्यूटराइज बच्चे हैं, सभी का माइंड बहुत तेज है, मैं 80% आ गए नहीं, यानी 90 मार्क्स बोल रहे हैं 95 प्लस ठीक है ना, वो बच्चा कामयाबी की तरफ दौड़ेगा। और हमने ये लक्ष्य करना पहले से, अगर आप 10वीं में प्लस टू में आप ये लक्ष्य करो आगे मुझे कितने नंबर चाहिए ठीक है ना, उसके हिसाब से अपने क्या करोगे पढ़ाई करोगे, उसके हिसाब से आप प्रतिदिन अपनी पढ़ाई करो ठीक है, और ये पढ़ाई करोगे उसी अनुसार से आपके नंबर आएंगे तो आप ऑटोमेटिक आपका रुझान जिस फील्ड में जाओ उसकी तरफ बढ़ेगा। अब प्लस टू आए बच्चे हो, अब तो नौकरी के लिए आप तैयार हो ठीक है ना, अब जिस प्रकार से एनडीए की या एयरफोर्स की तो इसके बाद में शुरू हो जाती थी ठीक है ना,
तो बेटा उस प्रकार से आपको उसी प्रकार से अपनी तैयारी करो, अपना लक्ष्य बनाओ और आप अपने परिवार की तरफ भी देखो। अब यहाँ पर आ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो, अभी घर वाले कितनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हो और आप उनका सही यूज करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है ना भैया। आप यहाँ पर भी आते हो, फीस देते हो, कुछ आ जाते बेटे ले ऐसे नहीं। जो जितने भी सर जी है, गुरु जी है, यानी जिस प्रकार से जो मेहनत करता मजदूरी जाता है ना, 1000 रुपए लेता है तो 1500 रुपए काम देता है उससे, तब जाके से क्या देता है 1000 रुपए देता है। तो आप यहाँ पर 1000 रुपए दे तो 2000 का काम लेकर जा करो ऐसे, और 2000 का काम लेकर जाओगे जब आप अपने आप को मानो भाई हमने कुछ लिया यार से, ऐसा मत करो कि 1000 दे दिया आपने काम किया 200 रुपए का, तो आप तो माइनस में घाटे में चले हुए हो, ठीक है ना। तो आप कितने सब्जी है किसी से किसी टाइम भी रात में दिन में ये सब्जी भी है सभी व्यक्ति स्कूल में यहाँ पर आप किसी टाइम भी हमारे से कोई सहायता कोई डाउट लेना बलकलिया करना चेक करो और आप कामयाब हो गए बेटा तम। और एक अपने लिए कर रहे हो तुम, सुनो मेरी बात, एक तो दिमाग में यह रखो ये लड़के लड़के जो घर में कामयाब हो गए उसकी कदर ज्यादा नहीं होती, जो कितने जो बन ही रहा उसने बाइस पहला रहा है उसमें कड़ा रहोगी सारा दिन, और जो कामयाब हो गया नौकरी लग गया उसकी परिवार में बैठ गई इज्जत बन गई। लड़कियां लड़के ये पढ़ लिखी टेस्ट पाड़ गया कितने जॉब का उसमें हो गया प्राइवेट भी करी तो इनकी माता की कदर ज्यादा नहीं होगी, जल्दी गोबर गिरवाऊंगी ठीक है, और जो ना हो काम उस पर कराऊंगे जो कामयाब नहीं होगा। तो किसी लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, दूसरे का कर थोड़ी, तीन भाई है घर में, तड़का एक नहीं कामयाब हुआ है तो किसका खोया हुआ, तड़का ले रहे भी होंगे आज तो वो कट्ठे दिखे हैं, माँ बाप तो भाई एकाग्र कितना सारा लागू माँ बाप सारी उम्र थोड़ी बैठे रहो, अपने लिए कर रहे हो न कि दूसरे को ऐसा नहीं, माँ बाप का तुम्हारा खर्चा करे हो तारा भाजन करे ना सो तो माँ बाप का पीछा आ रहा है ना तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारा बेनिफिट होना है, ये सोचो कि मारे लिए कर रहे हैं, इसे भी परिवार के माँ बाप खर्चा नहीं कर सकते वो उनके दर्द होगा तकलीफ होगी कि भी मेरे घर में कुछ कमानियां नहीं मुसीबत हो, वो जल्दी टारगेट को पूरा करता है, जिसका घड़िया है सारा मन ज्यादा पैसा है वो ज्यादा बच्चा देवर है वो बच्चे टारगेट पूरा नहीं करते वो ज्यादा उसमें बटन पटन करते, ठीक है। तो ये सोचो जो भी काम कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हैं न कि दूसरे के लिए, खुद को बेनिफिट होना है आगे जाएगा। और बेटा आपने पता होगा इस प्रकार से डॉक्टर है, डॉक्टर क्या सुबह गणेश के समय अगरबत्ती लगाता तो सोचता मरीज मेरे पास में आओ मरीज आऊंगे तभी उसका काम चलेगा, चाहे पेंचर लाने वाला ला लो दुकानदार ला लो, लेकिन कोई सर जी ऐसा नहीं सोचता कि मेरे पास में नाइन्थ में तुम बच्चा नाइन्थ में रहे मैं इसकी फीस यही भर लू, सारे सर जी क्या सोचते हैं आगे भी मेरा लड़का अगली क्लास में जाए अच्छे नंबर लेकर जाए, ऐसा सर जी तो नहीं देखा आपने, नहीं सोचता ना। तो गुरु जी क्या होते हैं ऐसा ही सोचते कि मेरा बेटा मेरा लड़का भाई अच्छे नंबर से अगली क्लास में जाए, और भाई देखो बेटा मेहनत करोगे नौकरी लगोगे तो आप अपना ऐसे आराम से रहोगे, ऐसे भी देखे सर जी भी होंगे पर ऐसे आप भी देखोगे हमारे पास में बहुत जागी नौकरी लगने के बाद में हमने पता है बोलो भी कोनी उन सोचे ने सर जी मारकर नमस्ते करे तो करनी पड़ जाएगी भाई भाई, ठीक है। तो हम फिर भी नहीं सोचते अब इन मत इन मत पूरे लाग गया करके नमस्ते नहीं कर, बेशक नहीं कर बेटा अपना लक्ष्य बढ़ाओ आप मतलब अच्छी लाइफ जियो टारगेट प्राप्त करो, ठीक है। हमारी यही कामना रहेगी अभी आप अच्छे इंसान बनो, हर पहली बात तो एक बात होती सर जी इन सारे आओ उन्हें माँ बाप भी विदेश में जिला जा घरे माँ बाप घर ने कोई नौकर नहीं आऊंगा 10-15 साल में, ठीक है उन्होंने भूल जाएगा। तो बेटा अच्छा इंसान भी बनना जरूरी है, ऐसे नहीं है कि हमने पढ़ाई कर ली अच्छे नंबर ले ली बोलना हो नहीं समाज में, वो भी कोई पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, इंसान भी बनना है, ठीक है ना। और सबसे जरूरी तो इंसान नहीं बनना है पहले, तो अब कामयाबी अपने आप मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इंसान भी जरूरी है, कोई छोटा बड़ा मिले उससे नमस्ते करना उसकी रामनवमी करना, ठीक है ना, खोया पटना देखना,
देखो यार अपने देखने लग गए नहीं और बेटा एम देख कर दादा नु देखेंगे हाँ भाई फलाने का लड़का अपने आप सारी इज्जत हो जाएगा बस दस होता बच्चा भी बहुत बढ़िया बच्चा देखते ही राम नहीं करे ठीक है ना और उन्होंने कौन कहा है डिग्री ले इसका नंबर थे वो नंबर उड़े दे दे घराए उड़े मतलब घराए तीन नंबर दे दिए बुजुर्ग उड़े हम भी दे देना हाँ बहुत बढ़िया बच्चा है ठीक है ना इन दिन आईसीसी के भी कवरे लाग रहे ना ये बुढ़े आगी पहले बुढ़े बैठे राय करते बाढ़ में दो बार चक्कर मार उनको नवरा रहे के बाद कितने मिलना है अरे उड़े ग्रह को निकल ये है उनका देखिए रहो आप सीसीटीवी फुटेज कौन गया था तक कौन बढ़ गया इनके तो बेटा एक तो हुआ हो रही है और एक नहीं तो उनका भी आदर करो जो बुढ़ रहे है ना सीसीटीवी कैमरे है पुराने उनका भी कि जब तुमने बाणन लिया हो उन्हें कूड़म ना करो तो उनका भी दादा दादी उनका भी मान सम्मान कराया करो ठीक है ना सुनील जी जब तक करते हो गए कड़ा बोलते बेटा सामाजिक भी ज्ञान जरूरी है कि क्या हो रहा है दुनिया में बाहर क्या हो रहा है ये भी जरूरी है लोग तो आज पूरी दुनिया से जुड़ रहे हैं तुम अपना क्षेत्र से नहीं जुड़ सकते सिर्फ से 10 मिनट दो अखबार में अखबार में भी खबर आ रहा कई डाल दिया अरे क्यों टीवी है ना इस पर जो खबर आनी तो झूठे बंडल दे तो पीछे हम बेकाउस होता है जिसकी बड़ाई करनी उन्होंने करी जाएंगे देख लो टीवी 5-10 मिनट कोई बात नहीं समाचार उसमें अपने को ज्ञान होता है कि अभी अपने क्या चल रहे हैं ठीक है जिसका तुम देखो उसका ज्ञान बढ़ेगा दूसरा अखबार की बता देता हूँ अखबार के अंदर एक बीच में एक सिंगल पेज आता है हर डेली हर देश की देश को भी दुनिया पर भी लेख होता है लेख साइंटिस्टों का लेखकों का लेख आता है दो लेख बाहर एक ऊपर एक नीचे उस पेज में आप अगर वो पे और अखबार नहीं पढ़ोगे तो वो पेज बहुत जरूरी है डेली हर टॉपिक में देश में जो चीज कच्चा चाल की बंद हो लेना जो उसको प्रायोरिटी दी वो ये टॉपिक है तो आपका आधे सवाल दो उसमें हो जाएंगे यही पसंद आते हैं आजकल मेमोरी चेक करने का ज्यादातर जो टेस्ट आते हैं ना क्या है टेस्ट उनमें यही क्वेश्चन आते हैं तो अब हमने पता ही नहीं आपके पूछ लिया जब आप अखबार डेली पढ़ोगे हर टॉपिक के ऊपर आपको ज्ञान होगा कि ये लागू हुआ किस चीज का आविष्कार हुआ ये हुआ तो वो सारी चीजें कहाँ आती है लेख में बाकी तो खबरें होती है सड़क में हादसा हो गया नहीं हो गया कोई जरूरी नहीं पड़ता वो तो एक खबर होती है संवाददाता खबर करे ऊपर कौन पर लिखा पाओ एक होता है संवाद सहयोगी एक संवाददाता की खबर सच्ची होती है बताए संवाद सहयोगी लिख दिया तो मान ली मेरी डीओडी में पीछे दिया संवाददाता की जो भी खबर होती है अखबार में वो सच्ची होती है फिर एक पेज सारा झूठा पा जाकर हम देख कि वो और तो कसूती देवीलाल की बढ़ाई कर ये पता ही नहीं वो पेज की है उसका कोनों में लिख देंगे ADV एडवर्टाइजमेंट ठीक है और कि तला लिख देंगे अगले दिन छोटा अखबार वाले तो उसमें कि मैं छाप दूं मेरी 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 सारी खबर छाप दूं उसे तो वो एडवर्टाइजमेंट ठीक है तो उनको छोड़ दो संवाददाता की खबर होती वो पढ़ो डेली 10 मिनट लगाओ और जो मैंने बताया लेखक का जिस पर हर टॉपिक आप देखना है मजा आएगा इतना बड़ा पाओगे देश में जो भी चल रहा है दुनिया में जो चल रहा है उसको हर रोज आती है वो पढ़ी जाओ आपका ज्ञान बढ़ जाएगा ठीक है बाकी टीवी पर ज्यादा टाइम खराब कर सकते हैं आजकल फोन है इंजॉय करना थोड़ी देर अपना संगीत सुन लिया तो माइंड को फ्रेश भी करना जरूरी नींद 6 से 7 घंटे आप कम से कम नींद लें ठीक है तो उसका अपने आप भी फ्रेश हो जाएगा ठीक है करो जो मैंने सुना सब ठीक है जी ठीक है भाई थैंक यू अखबार मैंने वो सेना यारा भी आया करी थी सर पहली बात ये बता दिया सर जी ने सारे बेटा कामयाबी की तरफ जाओगे और देखो हमने जब भी खुशी होगी तब तुम जिदे मिलोगे ठीक है ना हमने भी रुपया लगा भाई बच्चा नौकरी लग गया लड़की नौकरी लग गया हम भी होगी ठीक है तो हम तारे साथ में हाँ ठीक है ना पीछे पीछे आगा गए तुम हो जाओ
ठीक है। और बेटा कहीं भी किसी भी चीज की जरूरत हो ठीक है ना, पढ़ाई संबंधित वो पूरी करना तैयार है। आ जाओ सर जी, पूरा अच्छी तरह सारी करो। देखो भाई, आप सभी को यहाँ पे इकट्ठा करने का बस हमारा यही एकमात्र उद्देश्य है कि ऐसे तो हम हर रोज बातें नहीं करते ठीक है। जब सभी को ऐसे, अरे एक बार थर में भी कोई होने विचार हो अपना पता करो बेटा, मरती भी सुझाव दे सको, हम धरते सीखांगे ठीक है न, हम धरते सीखा है, हम भी सुझाव दे हो अब ये काम कर लो सर जी, ये डर कर लो, तो हम उसी प्रकार की अपनी जो हमारी किसी प्रकार की शिकायत है छुपाया मत करो। अच्छा मतलब विदेशी वो है जो हमारी बताओगे कभी तुमको, हाँ जी बढ़िया है जी, हाँ जी बढ़िया है जी, अगला कह गया तुमको चुगली करके आप बताओगे नहीं के, तो हम खुद आना कि अपना हम भी दाते सीखना है नहीं कौन बेटा, तो कोई भी हमारी गलती है किसी भी प्रकार की तो आप बताओ सर जी रूप डालते हो इस प्रकार से कर लो ये कर लो, बताया करो हम भी बताया करो, आगे जाके बुलाई भी करनी है कि नहीं, अगर यहाँ पर नहीं बोलोगे तो वहां पर भी नहीं बोलोगे ठीक है ना, तो जायज बात पर अड़ गया करो, ना जायज बात नहीं जायज बात पर ठीक है ना, अड़ना चाहिए कि नहीं अड़ना चाहिए बताओ, हाँ अड़ना चाहिए बोल लिया करो ठीक है ना, बताओ सर। हाँ तो भाई यही कहा कि देखो हर रोज तो हम अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं और आज जो है आप सबको यहाँ पे इकट्ठा किया गया। देखो आप कहीं तो ऐसा सोच रहे होंगे कि ये बातें तुम्हें पता ही थी, पता नहीं थी हमको क्यों बता रहे बार बार में, एक बात का ध्यान रखना भाई आप लोगों को पता है वो बात कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। आज 10 साल हो गए हैं भाई, मैं 2012 में जोगिंदर सर से पढ़ता था, अगर आप अपने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, देखो हम आपको पढ़ाते हैं पता नहीं बाहर आप हमारे बारे में कुछ भी कहते हो हमें इस बात से कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर आप अपने विचार गंदा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं है ना, जब तक आपके द्वारा गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता ठीक है। ये बात सबसे बड़ी है, मैंने 31 दिसंबर को 2014 में जो गुरुजी पढ़ाते थे सर ये से बात की प्रवेश एक बोल लेना रे कड़ा रखिए बता घर में पड़ी है मैंने बता दी मैं बता दी तो सुनो भी ध्यान से, तो 2012 से लेकर के आज 22 यानी 2022 बेटा को घर नहीं पड़ी है, इस दौरान मैंने जो कुछ सीखा भी ठीक है, लेकिन अब हम आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं बार बार, हम आपको कहते हैं कि बेटा ये ग्रामर सीखो, ये फिजिक्स के जो है न्यूमेरिकल्स हैं या और भी बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको बार बार बताते हैं, आप कई बार ऐसा सो जाते हैं चुप छोड़ नहीं मास्टर तुम्हें करें, देखो ये हमारी थिंकिंग होती है, हम भी कभी आप जैसे पढ़ते थे हमको हर रोज टीचर कहते थे बेटा पढ़ के आया करो, लेकिन हम घर से कभी नहीं पढ़े थे, 12th क्लास में हमें टेंस नहीं आते थे, हम भी बहुत कमजोर थे, लेकिन जब आप मन में कुछ ठान लेते हैं कि हमें कुछ करना है हमें कुछ जो है सीखना है, तब वो चीजें जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है ठीक है। देखो बामला गांव में बहुत सारे बच्चे जो है इंटेलिजेंट हैं, जब वो बाहर जाकर के कहीं पर जो है जॉब प्राप्त करते हैं तो अपने गाँव का नाम रोशन होता है, आपकी एक अलग पहचान बनती है, हमारे गांव को भी एक अलग नाम मिलता है ठीक है। इस हैप्पी न्यू ईयर देखो आपकी आदतें पुरानी हैं, साल नया है, बुक्स भी पुरानी है आपके पास अभी भी, लेकिन उनको नया करने का जो है अभी आपके पास समय है, नया कब होगा वो बुक्स कब होंगी नहीं, जब आप उनको पढ़ोगे लिखोगे उसमें उसमें खुद के नोट्स बनाओगे, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स हैं ये रखी इनमें कुछ लिखा हुआ है, अगर आप इनको पढ़ेंगे नहीं तो ये नहीं क्या पुरानी नहीं रहेंगी। देखो घर पे आपकी 50 बुक रखी हैं, आप पढ़ते उनमें से एक, नहीं 50 बुक क्या है आपके लिए वेस्ट है, अगर आप उन सभी बुक्स को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपके काम आएंगे वो बुक्स। देखो ऐसे तो ये बुक एग्जाम में और उसके 60% नंबर आ गए, फॉर्म अप्लाई किया 90 जिसके आ गए थे दोबारा से मतलब उसके 90 नहीं आए, लेकिन जिसके 90 आए उन दोनों ने सेम टाइम पे अटेम्प्ट किया एयरफोर्स नेवी कुछ भी टेस्ट लगा लो, लेकिन 90 वाला क्लियर नहीं कर रहा, क्यों
क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, नॉलेज की उसको क्लियर कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि सारा का जो मसला है वो किस चीज का है, नॉलेज, ठीक है। और एक बात ये भी है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, कॉलेज में जाएंगे तो नॉलेज मिलेगी आपको, ये बात ध्यान रखना। सभी बच्चे कॉलेज में जाएंगे, ट्वेल्थ के बाद जरूर कॉलेज में जाएंगे, डिस्टेंस से बिल्कुल ना करें, ये बात ध्यान रखना। एक बात का ध्यान और रखो, देखो एक पेन, ठीक है, एक टीचर और एक बुक पूरे संसार को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एक बुक, एक पेन एंड ए टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। और मैंने अपनी लाइफ में टेंथ क्लास में एम 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 कर रहे हैं, कुछ बच्चे दूसरों को देख के अपना एम सेट कर लेते हैं, ये डॉक्टर बनेगा तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। अरे भाई देख तो ले तू उस जितना इंटेलिजेंट है भी या नहीं है, देखो कॉपी मत करो किसी दूसरे, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है आपको पूरा ध्यान से सुनो, क्लास में जब जैसे एग्जाम हो रहे हैं वहां पे चीटिंग क्यों करते हो आप, क्लास में कभी भी टेस्ट हो रहा है चीटिंग मत करो, क्या फायदा उस चीटिंग का, जब 10 में से 8 नंबर आ गए, अरे मेरे भी 9 आ गए, नो नेवर कभी भी नहीं। अगर आपको चीटिंग करनी है ना, मैं तो सही बताता हूँ, चीटिंग अगर करनी है लास्ट फाइनल एग्जाम में करो, वहां पे करो अपने दोस्तों की मदद, क्लास में क्यों उनको कुछ पढ़ने तो दो, कुछ नॉलेज तो लेने दो, समझ में आ रहा है ना, देखो नॉलेज नहीं है ना तो कुछ नहीं भाई। जी लाइव रुक रहा है, कोई बात नहीं सर, तो सबसे जरूरी बात यह है कि भी आप नॉलेज प्राप्त करो, ठीक है ना। देखो बहुत सारे बच्चे अपनी लाइफ में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सबको थोड़ी मिली है, मिलेगी उनको जो मेहनत करेंगे। यहाँ पे 20 बच्चे बैठे हैं मान लो, अब 20 में से 2% बच्चे जो है जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे देखो एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम सोचते हैं कि आज पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है, कल पढ़ेंगे वो कल भी नहीं आता है, कल कभी किसी का नहीं आता। जैसे आपने सोच लिया कि आज जाके पूरा पढ़ूंगा, आज पूरे मोटिवेट हो गए आप कि आज तो पक्का पढ़ूंगा जाके एक घंटा, लेकिन वो एक घंटा ही नहीं मिलता है, पूरा टाइम वेस्ट, इंस्टाग्राम चलाया, फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ, लेकिन वो एक घंटा जो है ना पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, समझ में आ गया। अभी कुछ देर पहले की बात बताता हूं मैं आपको, ये एक मेरा स्टूडेंट, नाम मेरे को पता नहीं है इसका, मैंने इसको कहा कि बेटा ये गले की जो चैन है थोड़ा इसको निकाल दें, ठीक है, लेकिन ये कहता है कि सर ये चैन तो नहीं निकलेगी। मैंने इसको ये कहा कि बेटा घर चले जाओ तुम, तो बोला सर मैं घर ही चला जाऊंगा, हमारा कुछ नहीं होगा अभी, कम तुम जाओगे दो बच्चे और आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बात थी, सिर्फ बात ये थी कि आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं। देखो स्कूल में भी जो है टीचर बोलती बेटा ऐसे मत करो, हैं ये गर्ल्स भी जो है पफ वगैरह बना के चली जाती हैं, तो मैम इनको पीटती हैं या फिर डांटती है कि बेटा थोड़ा सिंपल में आया करो, यहाँ पे आप कोई फैशन डिजाइनिंग कोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी बातें बहुत हम देखते थे, हम भी पढ़ते थे, गर्ल्स को स्पेशली बोला जाता है कि चोटी करके आप, नहीं गर्ल्स तो पूरे बात छोड़ के जाते हैं, ठीक है। देखो ये आपकी पर्सनल बातें हैं, तो आप अच्छे से ध्यान रखिए इन चीजों का। देखो स्टूडेंट लाइफ बहुत सिंपल लाइफ है, जितना सिंपल रहोगे उतना ज्यादा ध्यान पढ़ाई में रहेगा, ठीक है। और भाई देखो यहाँ पर आपको पता है जोगिंदर सर पढ़ाते हैं, रतिपाल सर पढ़ाते हैं, और मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरे दोनों गुरु जी यहीं पे हैं, मेरे लिए इसे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती कि मैं अपने गुरु जियों के साथ जो है आज पढ़ा रहा हूँ। मेरे तो भाई सारे थे जिन्होंने जे चल विक्रम सर जी बार तदा तारगाम में होता तो भाई यही पावर है नहीं। तो यानी देखो एक टीचर जो इतने बच्चों को कामयाब करने के लिए यहाँ पर बुला रहा है पढ़ाने के लिए, आज आपके मन में बहुत सारे विचार हैं कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। देखो कोई बात नहीं, ये मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, सही बात बात ठीक थी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
और एक बात का और ध्यान रख लो, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, अगर गुरु की रिस्पेक्ट कभी भी नहीं करोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। चाहे आप आज के टैलेंटेड बच्चे हैं, मॉडर्न जो है एरा चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि आप अभी भी अपने गुरुजियों का जो है सम्मान करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपके गुरुजी कौन है, आपके पेरेंट्स, अगर आप उन्हीं से तुक तो डाक करके बोलेंगे तो क्या हमारे पास आप आकर के क्या बोलेंगे हमको, है? तो सबसे पहले ना भाई अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। कभी भी अपने पेरेंट्स के कपड़ों को देख करके जज मत करें कि पापा आप यहाँ पे क्यों आ गए हैं, मम्मी आप क्या है, आपको कुछ पता ही नहीं है, मेरे फ्रेंड्स थे, इन सब बातों को भूल जाओ। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। चाहे आपके पेरेंट्स कुछ भी करते हो भाई, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा काम आज के दिन जो पेरेंट्स करते हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ा पाते हैं, ये नहीं कि उनके लिए दो घर बनवा दिए या दो प्लॉट और भी खरीद के रखे, नहीं। आज सबसे पहले पेरेंट्स की जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो है कि मेरे बच्चे बस पढ़ लिख लें, चाहे उनको कितना ही मेहनत करना पड़े। सर जी एक बात तो रहे, मैंने देखा है शहर का बच्चा है देख चुकी केसवी है, छोटे भी कान काट ली बी ए बी एड के, उनसे पूछ ले हाथ बेटा तेरा पापा की नहीं है, ये नहीं है, ऐसी है, अरे अपने तो कुआड़ को झोला था कोनी ना कोनी। देखो एक रू नहीं देखा कौन है कौन नहीं है, रुका मारती हाँ वही है कोनी होगा ना कोनी होगा, तो बेटा थोड़ा है ये भी जरूरी है। देख दो साल का बच्चा कान हर आप पर मिल के देखना, अंकल जी अंकल जी बेटा भर देंगे जी हो अंकल जी पिछले ठीक से बेटा तेरा और अपना जीवन सफल बनाने के लिए आज से ही कुछ जो है अच्छे से विचार लाए मन में, पढ़ाई के लिए जो है अपने लिए समय निकाले। हाँ वो कहना बेटा देखो पुराने साल में छोड़ देते साल में अच्छी कुछ चीजें अपना चीज लेनी भी चीज एक आदि दोनों भाई 2022 में हमने ये मतलब नया ये बनाया लक्ष्य बनाया है, ठीक है क्या नहीं अब बेटा थर पे आज हमारी पे ठीक है नहीं तम जाओगे कि ते भाई नो का भी ने वो सर जी भी थे उन्होंने मेहनत करी ना तो बेटा कुछ नहीं सर जी आओ ना। सिंपल सी बात है जो जितना हेल्दी जीवन जिएगा उसके बच्चे भी उतने हेल्दी होंगे, ठीक है।
आजकल का क्या वो है रूल क्या है, 25-26 साल तक की आपकी एज में नौकरी मिलगी, उसके बाद शादी हो जाएगी, कल को 30-32 की उम्र तक बच्चे, उसके बाद 60 पे रिटायरमेंट, 60 के बाद मौत का इंतजार, ये जीवन 60 के बाद क्या कर लोगे? कहते हैं घर में बैठे पेंशन आ रही है, लेकिन कभी आप उन बड़े बूढ़ों से उनका खुद तक तो पूछ के देखें, आप वो आज भी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या आपने कहते आपके बड़े बूढ़ों को कि भाई बस यही क्योंकि जी लिए जितना जीने था कर लिया कितना करना, ह्यूमन साइकोलॉजी बेटा ये। आपकी एज में आपस में आपका अट्रैक्शन भी होता है, बड़े अच्छे लगते हैं भाई, ये वो हो गया है, सब टेम्परेरी फिनोमिना है, सारा का सारा टेम्परेरी फिनोमिना है। इसमें मेन आपका गोल रहना चाहिए आपकी पढ़ाई के ऊपर, और उसके लिए आपको एक क्रिस्टल क्लियर जो है गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, और गोल ओरिएंटेड होने के लिए सबसे मेन यही है कि लाइफ में सुबह सुबह पहले जल्दी उठना शुरू कर दो, उसके बाद और एक ये बात हमेशा आप कॉलेज लाइफ में भी जाओगे ठीक है, हमारे मन में हेजिटेशन बैठी रहती है, क्या बैठी रहती है, मान लिया अगर किसी को यूँ नहीं पता ना कि 2 सदे कितना होता है, और एक बंदा यूँ पूछेगा नहीं, वो आपस में तेरे को पता है इस लाइन से आगे क्या लाइन आनी है, तुझे पता है इसके आगे क्या नहीं है, वो पूछेगा नहीं क्योंकि उसका बेसिक ही खत्म हो गया, जो बेस था वो बनी नहीं पाया, वो खत्म हो गया, और वो उस ना पूछने के चक्कर में जहां पे उसे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी वहां पे कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं कर पाया। तो इसलिए कभी भी एजिटेशन मत समझना, कभी आपको निकम्मा निठल्ला ही क्यों ना सोच ले कि भाई मान ले एक बंदा है ना, कई बार मैंने देखा है कि भाई किसी के मान ले 80-85% मार्क्स भी आ रहे हैं और उसको अगर कोई बेसिक नॉलेज नहीं पता ना और टीचर से तो पूछ लिया तो क्यों वो क्या सोचेगा यार, मैं तो बेइज्जती हो जाएगी कि मैंने ये क्या क्वेश्चन कर लिया। और हमेशा लाइफ में कितने भी एग्जाम दो कितनी बार ही फेल हो ठीक है ना, फेल का मतलब ही क्या, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल को अगर आप ऐसे करोगे ना फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग कि सीखते समय आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें आप रह गए हो कोई बात नहीं आपकी, लेकिन रहने के पीछे ये कारण नहीं होना चाहिए कि मैं उठ के गया था पेपर दे के आ गया और रह गया कोई दिक्कत नहीं है सर ने कह दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, उसमें चीजों को एनालाइज करो। एनालाइज क्या करोगे कि भाई मेरा कौन सा पोर्शन वीक रहा था, इसमें मैंने गलतियां क्या करी थी, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। अब 3-3 सब्जेक्ट है, चाहे मेडिकल है नॉन मेडिकल कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कॉमर्स में आर्ट इकोनॉमिक्स सब पढ़ते हो, जरूरी नहीं है सभी को सारे के सारे सब्जेक्ट आए ठीक है। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क ठीक है, गधे से हार्ड वर्क लिया जाता है घोड़ा स्मार्ट वर्क करता है ठीक है। तो उसमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क क्या है कि आप यूं मत समझना गधा पागल होता है, गधा अगर जिद पकड़ लेना तो आप उसके मालिक की भी हिम्मत नहीं उसे मोड़ करके दिखा देगा, उसने मना करके ना काम करने से वो काम नहीं करेगा चाहे वो कितना ही हार्ड वर्क वाला हो। लेकिन स्मार्ट वर्क में बेटा क्या रहता है, अब आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आपको कहीं जाता है आप जो एग्जाम ट्यूटर लिया हो या एग्जाम नोट्स लिया हो, कहते हैं ना आपके टीचर्स वगैरह सुना हो आपने, तो एग्जाम नोट्स का पर्पज क्या रहता है मेनली, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, एक बंदा है लास्ट में पढ़ के अच्छे नंबर ले गया, एक पूरा साल पढ़ा तो उसे कितने मार्क्स में ले गया, कहाँ पे कमी रही, उस बच्चे ने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा था कि भाई पेपर का पैटर्न आखिरकार आता क्या है, कौन सी यूनिट को कितना वेटेज दिया जाता है। आप जब पहला पेज ओपन करोगे ना वहां पे लिखा होता है यूनिट इतने नंबर की, दूसरी यूनिट इतने नंबर की, आप मान लो जैसे पॉलीमर की यूनिट है छोटी सी यूनिट है शायद प्लस टू क्लास में 3 या 4 नंबर में आती होगी, लेकिन हम वहां पे जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी 12 नंबर में आती है उसको छोड़ देते हैं, तो सोचो ऑर्गेनिक इतनी मुश्किल है पॉलीमर वाली कर रहे हैं ठीक है। तो अपना ये तरीका जो है ना अपना स्मार्ट वर्क के प्रति ये देख लो वेटेज किसको कितनी ज्यादा मिल रही है, उस हिसाब से अपनी तैयारी कर दो, और वेटेज के हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे उस हिसाब से अपने मार्क्स मिल जाएंगे। सरकारी पेपर भी देने चले गए मान लो कोई भी ठीक है, सरकारी पेपर में आज के टाइम पे क्या कॉमन हो गया, जनरल एप्टीट्यूड ठीक है, जीके इंग्लिश हिंदी मैथ रीजनिंग फिर आपका आता है सब्जेक्ट, टोटल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट हो गए। लेकिन अगर आप उनकी हर की वो निकालोगे तो आप देखोगे आपका सब्जेक्ट 60 नंबर का बाकी 30 नंबर के आ गए, अब यूज तो है नहीं भाई आपको, और उसमें क्या होता है क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और मेन बात बेटा बार बार आपको ठीक है यही लाइफ में